सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं गांव सुंदरपुरा में, जो जींद जिले का गांव है। और पूरे गांव ने मिलकर बहिष्कार कर दिया है कि 25 तारीख ने ईवीएम मशीन तो आवेगी गांव में, लेकिन पूरा का पूरा गांव वोट नहीं डालेगा। तो सरपंच साहब मारी गया है, तो के बात है कि पूरा गांव वोट नहीं डालेगा, इसी के बात होगी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। सरपंच साहब, क्यों नहीं डालेगा पूरा गांव वोट? हमारे गांव के दो मांगे हैं जी, मुख्य मांगे, जिससे हम पहले मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और सीएम ओएसडी साहब से भी मिले थे, वीरेंद्र दहिया जी से, और डीसी साहब से भी मिले, तो काफ़ी प्रशासन पर काफ़ी गुहार लगाई और फाइल मारी, वहाँ गई भी है। तो हमारा पहला तो मांग थी जी हमारी तहसील की, 2017 में हमारी तहसील नरवाना से वो चेंज करके और उच्चाणा कर दी गई। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा नरवाना पड़े हमारा 3.5 किलोमीटर और उचाना है हमारा 24 किलोमीटर। तो इसमें क्या है कि मतलब नरवाना तहसील के आगे से निकलना पड़े तो 24 किलोमीटर दूर जाना पड़े, ये हमारी मुख्य दिक्कत है। और दूसरी मांग है हमारी खेवट की जी, हमारी खेवट आज भी मतलब सारे गांव की इकट्ठी खेवट है, जिसमें खाते में तब्दील नहीं हुई। आज भी यदि कोई फर्द निकलवावा है तो उसमें 390 पेज निकले हैं, जिसमें करीब करीब 4500 रुपये इसका चार्ज लगे हैं। कोई गरीब आदमी ने किसी लोन के लिए या किसी मैटर में फर्द निकलवानी पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत आवे है। तो इस दिक्कत में देखते हैं, हमें काफ़ी बार गुहार लगा ली, प्रशासन से मांग भी करी, पूर्व विधायक से भी करी, लेकिन उसकी भी उस पर भी कुछ नहीं बना। वादे करके जावे है, चले जावे है। तो अब की बार गांव राम ने फैसला लिया है, सारा समस्त गाँव ने, कि हमें इस मैटर में अब की बार वोट नहीं डालेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाओगी हमें वोटिंग नहीं करेंगे। बड़ा मतलब जी करा था मैं वोटिंग करा, क्योंकि ये भी एक पर्व की तरह है, लेकिन जब अपनी मांग नहीं मानी जाती तो फिर क्या फ़ायदा है वोटिंग करने का, क्यों किसी को वोट दें। तो सरपंच साहब, पूरे गांव का फैसला है, पूरे गांव का फैसला है, तो पंचायत हो इस चीज़ पे? बिल्कुल, पंचायत हो ही है जी, तीसरी बार पंचायत हो ही है, तो हमारा ये फैसला अटल है, तो गाँव का कोई भी आदमी इसमें वोटिंग नहीं करेगा। तो मतलब अब उचाना तहसील में, इससे पहले नरवाना में थे? इससे पहले 2017 से पहले नरवाना में थे जी। फिर इसमें उचाना में क्यों जोड़ दिया? पता नहीं जी, के मैटर है, कोई पॉलिटिक्स मैटर है या के मैटर है, वो सरकार का काम है, इसमें हमने बेरन लगा दी, किस लिए मैटर के होया हमारा। तो मतलब नरवाना पड़ा 3.5 किलोमीटर जी, हाँ, और उचाना? उचाना हमारा 24 किलोमीटर। तो मतलब उल्टी गंगा पार? हाँ, उल्टी गंगा जी। गाँव के आम लोग जावा है नरवाना में तो डेली दिनचर्या के हिसाब से जावा, हाँ, तो मतलब गया आदमी भी काम करवा लिया भाई, उचाना तो एक स्पेशल जाना पड़े, उड़े कोई मिले ना मिले रे को। दूसरी बात यह है, फर्द निकलवाने जावा तो जैसे भी कोई सुंदरपुरा का आदमी चला गया उसको तभी रोक देगा, भाई तू सबसे पीछे आ जा लाइन में, तेरे को बाद में देखेंगे। अच्छा। हाँ, बाद में भी उसका के वह उतनी उस दिन रोके ना, बोले तू रुक जाए, एक बार लिखवा जा, तेरा कल से हम ना आइए, कल से हमने लेकर जाइए, तो अगले दिन फिर जाना पड़े। ये बड़ी मेन समस्या है जी मेरी। मतलब बुरा हाल रखा सुंदरपुर वाले के लिए? बुरा हाल जी। मतलब एक तो खेवट पूरे गांव की साजली है। हाँ, साजली। तो न्यारी क्या दिना करते? न्यारी प्रशासन नहीं करता जी, तहसीलदार साहब के पास भी गए थे, डीसी साहब के पास भी गए थे, और सीएम साहब, सीएम ओएसडी थे, उन पे बिल लिखित में दे के आए थे, उन्हें डीसी साहब को बोल दिया, डीसी साहब ने तहसीलदार को बोल दिया, लेकिन तहसीलदार इसमें वो नहीं कर रहा, इसमें झूठे वादे कर रहे हैं। पहले गए थे जब बोला भाई अभी पटवारियों की हड़ताल है, इसके बाद आना, उसके बाद गए बोले अभी 2-4 दिन में भेज दूंगा, लेकिन उसके बाद गए फिर वो मना कर गया, बोले ना यू तो दावा डालना पड़ेगा आपने और उसमें होगी। तो मतलब ये तो एक ये था भाई, प्रशासन आ गया, दो पटवारी दे कानों को आया कि नूरे गांव में लिख के ले जाए, सारा गांव में जिसके भी गुंठे दस्तखत वगैरह हुआ करवा के ले जाओ, अब सारा गांव उचाना थोड़ा जाओगा ब्लॉक में। तो तहसीलदार साहब ने कोई खास आश्वासन नहीं दिया, तो इसीलिए हम तो जमा तंग हो गया, गांव राम ने फिर ये फैसला लिया भाई हम तो वोटिंग कर देंगे। अच्छा सरपंच साहब, जब फर्द लिखवाते हो गए तो कोई भी लिखवाओ तो फिर पीसा भी मोटा लगता होगा? 4500 रुपये लगे। तो मतलब किसी गरीब आदमी ने लिखवानी पड़ी? गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है जी, अब लोन ले, वहाँ लोन लेने के लिए कम से कम केवरा 3 कॉपी लग जाए उसमें, तो 3 कॉपी में ये देखो ना, 1 कॉपी में जब 4500 रुपये लगे तो कितने लगेंगे, ये काफ़ी समस्या है हमारे गाँव की। गरीब आदमी का तो बजट नहीं है इतना, भाई इतने रुपये लगा लेगा, चक्री कौन काटेगा, फिर उचाना जाना, आना और जाना, इसमें मान गया चलो कोई नंबरदार लेगा जाना पड़ गया, नंबरदार भी हमारा गांव के बूढ़े बूढ़े हो रहे बेचारे, गाड़ी बिना ही नहीं जानते, तंग हो जाए है, तो 500 रुपये 700 रुपये तो किराया गाड़ी का लग जाए है, फिर वो फर्द का हो गया, फिर और हो गया, मतलब सिस्टम ज़्यादा गंभीर है जी।
अगला तो आठ थकन सोचा छोड़ दे। हाँ जी बिल्कुल, तंग हो जाए आदमी, खर्चा भी लगेगा, तंग भी होना, बिल्कुल तंग हो जाए। सारा दिन जावा है हमारा, एक दिन वहाँ चले जाऊँ तो रात में वापिस न होगा, और फिर प्रशासन वाले के है कि अगला दिन फिर चक्री कटाए, वे कल लेके आइए। तो इसलिए गांव राम ने फैसला लिया कि अब की बार वोटिंग नहीं करेंगे। तो सरपंच साहब ये पूरा मतलब छत्तीस बिरादरी का फैसला, बिरादरी का फैसला है जी, हर एक आदमी का फैसला है, हर एक आदमी से विचार विमर्श करके फैसला लिया गया है। कोई आदमी मेरे गांव का ऐसा कोई आदमी नहीं जो इससे मतलब गांव राम का फैसला से बाहर जाएगा। तो 25 तारीख ना मतलब ईवीएम मशीन तो आवेगी लेकिन वोट नहीं डलेगी। आवेगी आवेगे, वो भाईचारा आओगे, गुआंडी फुआंडी आओगे, चाहे पानी पिलावेंगे, उसका मान सम्मान कराएंगे, खाना खुआवेंगे, लेकिन वोट नहीं डालेंगे। वोट तो जब डलेगी जब समाधान हो जाएगा। बिल्कुल जी, उसके बाद डलेगी, विधानसभा से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं विधानसभा में फिर यही हाल है, फिर भी वोटिंग नहीं करेंगे, फिर भी नहीं करेंगे। तो ये तो कड़ा फैसला है। बिल्कुल कड़ा फैसला है। नाम क्या सरपंच साहब? मेरा नाम लखविंदर शोक ने जी। इकट्ठी किस तरह मतलब पूरे गांव ये इकट्ठी है जी, मेरे गांव ये पहले ठेकेदार गांव था। अच्छा। ये जो भी ठेकेदार था पहले। हाँ जी पहले से, ये ठेकेदार के नाम ही बोला आज तक जमीन, मतलब ये उतरी नहीं है। तो मतलब इतने साल तक कोई समाधान हुआ ही नहीं है? नहीं समाधान हुआ जी, काफी बार मिले हैं, चंडीगढ़ भी गए हैं, तो जींद भी डीसी साहब के पास भी गए, लेकिन कोई समाधान, सबसे मिल लिए, कोई समाधान नहीं है। ये तीन दिनों के वास्ते चल जाने, पहले भी दी थी थोड़ी बहुत मीडिया ने, सीआईडी से भी बोला था। अच्छा। लेकिन कोई भी कर्मचारी सरकार की ओर से कोई नुमाइंदा उसका आया नहीं है, भाई कोई नुमाइंदा आएगा ना, आश्वासन दे दे, कोई बोल रहा है तो आर तक के ना, फिर लास्ट में ये फैसला लिया कि अब की बार वोटिंग नहीं करेंगे। तो भाई पूरे गांव ने मिलकर एक फैसला ले लिया है कि अब की बार हम वोट नहीं डालेंगे। तो 25 तारीख ने ईवीएम मशीन भले ही आ जाओ लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डालेगा। तो पूरे गांव का यो फैसला है। और जो सरपंच साहब ने बात बताई कि बहिष्कार क्यों कराया गया है, तो एक तो ये चाहे है कि नरवाणा तहसील में जोड़ दिया जाओ हमारा गाँव, क्योंकि नरवाणा इनके नज़दीक पड़ा है, लोअ पड़ा है, 3.5 किलोमीटर उड़ जाना पड़ा है ना 24 किलोमीटर। दूसरा इनके गाँव की पूरे गाँव की जो खेवट है वह साज ली है, तो उसने भी ये अलग करवाना चाहा है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी अगर फर्ज लिखवाना लग जाए तो उसके अभी मोटा रुपया लग गया है, लोन लिखवाना पड़ जाए या और किधर जरूरत पड़ जाए तो आदमी दुखी हो ले है। तो भी सारी बात आपने सुनी है सरपंच साहब की कि बहिष्कार क्यों कराया गया है गाँव की तरफ तय, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। और कितने कितने देखो इनकी अपनी मांग है इसलिए ये बहिष्कार कर रहे हैं, वोट भी देव जब देवेंगे जब इनका कुछ काम होगा, जब इनका काम में नहीं हो रहा ये परेशान हो रहे हैं, 24 किलोमीटर इन जाना पड़ा है, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़न लग रही है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।